इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट किया, बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ। कहानी अभी भी खत्म नहीं, और उस बेस्ट फ्रेंड को आज तक इस बात के बारे में नहीं पता। यू गाइज अगेन जस्ट चलिए ब्रोकन माई हार्ट। इन तीनों में से किसी एक ने अपने स्कूल के टाइम पे अपनी टीचर के साथ फ्लर्ट किया था, जस्ट सो दैट वुड गेट बेटर ग्रेड्स। यस, मैंने फ्लर्ट किया उनके साथ, एंड इट वाज नॉट कि एक रिलेशनशिप वाला फ्लर्ट, एक नॉर्मल कि मैम यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। उस समय तूने ये कन्फेस किया है और हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है कि मार्क्स के लिए किया। मार्क्स की बात हुई थी? मार्क्स की बात भी हुई थी, मेरे मार्क्स। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, तो 2 मिनट पहले झूठ बोल रहा था। नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं, उसमें ये भी मेंशन है, मार्क्स तूने मुझे कभी कम नहीं आते। रिवाइंड करूं, कितने कैमरा गिन रहा है? 1, 2, 3, 4। जस्ट ओन इट यार। ये सिंपल, जस्ट ओन इट। यस सिंपल यार, आई डिड, इट्स ऑल राइट। इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जो रिलेशनशिप में होने के बावजूद एक डेटिंग शो पर गया है। आपने बोला कि मैं एक रिलेशनशिप के दौरान एक उसमें गया था टीवी शो पे, जो डेटिंग का था। करेक्ट। बट ये बात मैंने उसको बता दी थी और उसके बाद अप्रूवल के बाद करा था, ऐसा नहीं। और उस टाइम पे शी वाज अबाउट टू ब्रेक अप विद मी। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया था? जी, हाँ जी, बताया कि आप डेटिंग शो पे जा रहे हैं। जी जी जी। लेकिन डेटिंग शो पे जिन लड़कियों को मिले थे उनको बताया था? हाँ बिल्कुल बताया था। सो बेसिकली करण, ही इज डूइंग शोज फॉर फेम। इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जो अपनी ट्यूशन में पॉर्न देखता हुआ पकड़ा गया था। राघव कुछ बोलेगा कि ट्यूशन भेजूं? सॉरी, आई वाज द वन हु वाज कॉट वाचिंग पॉर्न विद माय फ्रेंड्स, एंड इट वाज अ वेरी शेमफुल थिंग दैट आई डिड, एंड आई एम स्टिल अशेम्ड ऑफ इट। आई शुड हैव टोल्ड देम कि एटलीस्ट यहां तो मत देखो, बट आई मेड अ मिस्टेक। इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट किया। वो दोनों रिलेशनशिप में थे, ठीक है, उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। एक दिन ऐसी सीन बना, फ्राइडे सैटरडे था, मेरे पास कोई मैसेज आया, कोई पार्टी थ्रो कर रहा है, लेट्स गो ओवर देयर। हमने बोला चल ठीक है चलते हैं। ठीक है, गए पार्टी एंजॉय करते हुए, नॉर्मली बात बात स्टार्ट हुई, तो किस तक बात पहुंच गई, वी किस्ड, वी मेड आउट। एक सेम, जब आप आए थे स्टेज पर, जब नीत को पहली बार मिले थे, तो आपने ऑनेस्टी और लॉयल्टी के बारे में एक लाइन बोली थी ना, जहाँ पे आपने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीत ने भी बोला था कि उनके लिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनको आज तक ये बात नहीं मालूम। नहीं पता। हाँ। सो ये थोड़ा सा क्लैश हो रहा है। इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट किया है एक लड़के के साथ, वो भी उसी घर में उसी वक्त में जब गर्लफ्रेंड उसी घर पे सो रही थी। मैंने झूठ का बोला कि मेरा लड़कों के साथ रिलेशनशिप नहीं था। लड़कों के साथ रिलेशन रहना और गर्लफ्रेंड रह के इन प्रिजन करना, ये गलत बात है। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो मुझे खुद ही चीट कर रही थी, जो चीज मुझे बुरी लग रही थी। हाँ मैं सो रहा था, बट कुछ मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा था, या हम लोग हुकअप नहीं कर रहे थे। डिटेल्स नहीं मांगी। हाँ मतलब ऐसा कुछ मैं कर नहीं रहा था। डिटेल्स नहीं मांगी। उसने जस्ट वो आई। मुझे नहीं जानना, यहाँ किसी को नहीं जानना कि वो आई, उसने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने क्या किया। Nobody gives a Flipkart video pe aao, watch, play, win now.